कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी जिंदगी का रूप बदल कर रख देती हैं। किस्से और कहानियां हमारे जीवन को नई दिशा देने में हमेशा सार्थक होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक नर्तकी के दोहों ने कई लोगों का जीवन बदल के रख दिया। तो आइए नर्तकी की कहानी सुनते हैं। एक राजा को राज भोगते हुए काफी समय हो गया था, बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा, अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को आमंत्रित किया। उत्सव को मनोरंजक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि वो चाहें तो नर्तकी के अच्छे गीत और नृत्य पे उसे पुरस्कार दे सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई, नर्तकी ने देखा मेरा तबले वाला ऊंघ रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। ध्यान से सुने इस दोहे को। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारने यूं कलंक लग जाए। अब इस दोहे को अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाले ने जब ये दोहा सुना तो वो सतर्क होकर तबला बजाने लगा। जब गुरुजी ने ये बात सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस नर्तकी के सामने फेंक दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नवलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। जब फिर नर्तकी ने उस दोहे को दोहराया तो राजा के युवराज ने अपना मुकुट उतार कर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी जब वो दोहा फिर दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तूने वैश्या होकर सबको लूट लिया। जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए। गुरु ने कहा, हे राजन, इसको वैश्या मत कहो, ये तो अब मेरी भी गुरु बन गई है, इसी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। ये कह रही है मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ, तो राजन मैं तो यहाँ से चला। ये कहकर गुरुजी ने अपना कमंडल उठाया और जंगल की ओर चल दिए। राजा की लड़की ने पिता से कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं करा रहे हैं आप, और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेने का निश्चय कर लिया था, लेकिन इस नर्तकी ने मुझे सुमति दी कि जल्दीबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी ही, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। युवराज ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी आप मुझे राज नहीं दे रहे थे, मैंने आज रात आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देने की साजिश की थी, लेकिन इस नर्तकी ने मुझे समझाया, पगले आज नहीं तो कल राज आखिर तुम्हें ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है, धैर्य रख। जब ये सारी बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया, राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला किया, क्यों ना मैं अपने युवराज का अभी राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय युवराज का राज तिलक किया गया और राजा ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम किसी भी राजकुमार के गले में वर माला डाल दो और उसे अपना पति चुन। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों ना सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी वक्त निर्णय लिया कि आज से मैं भी ये सब बंद कर दूंगी और प्रभु की शरण में चली जाऊंगी। उसने कहा, हे प्रभु मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करना, बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की दो लाइनों ने हृदय परिवर्तन कर दिया। बस केवल धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलिए नहीं, आलोचना से उबलिए नहीं, निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा।